हेलो स्टूडेंट, लेट सी दिस क्वेश्चन। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस का 3n प्लस 1 अपॉन माइनस 1 का पावर n और बाय में दे रखा है 4n माइनस का 1 अपॉन n इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो बच्चों अपन को इस तो क्या कहते हैं लिमिट का वैल्यू निकालना है किसके बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पे अपन देखें तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो अपन जो है ना यहाँ से n जो है ना कॉमन ले लेते हैं। तो n कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा माइनस का 3 और प्लस का 1 का पावर माइनस 1 का पावर n अपॉन n। नीचे भी अपन n कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 4 और माइनस का 1 का पावर n अपॉन n आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये n n कैंसिल हो गया। अब जो इन्हें देखे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आ रहा है और ये माइनस 3 और प्लस का माइनस का 1 का पावर n अपॉन n और बाय में आ रहा है 4 प्लस का माइनस का यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस का 1 का पावर n और बाय में n आ रहा है। तो अपन ये देखें तो ये अपना टेंड 1 का पावर इन्फिनिटी किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर। लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 3/4 बराबर। बच्चों इस लिमिट की वैल्यू अपनी माइनस 3/4 आ रहा है, तो ऑप्शन 1 में गिवेन है। बच्चों अपना 1 ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है, ठीक है।